हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो प्लीज़ जो इधर से उधर की आवाज़ें आ रही हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। जब भी वॉइस ओवर करना स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई पीटी शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो आवाज़ें आती जाती रहती हैं। सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और मेरी सुबह की मॉर्निंग जो है मतलब मॉर्निंग वो इन्जॉय करें, क्योंकि ठंडी ठंडी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। और उसके बाद मैंने किया नाश्ता, जो है ब्रेड और अंडा, जो मुझे नहीं अच्छा लगता। सही है। उसके बाद चाय पी थोड़ी और नीचे आ गए, क्योंकि लेट इतना हो गया था। फिर मैं नीचे आई और उसके बाद भाई देख रहे थे मेरे मूवी, तो फिर मैं जाके बैठ गई उनके साथ थोड़ी देर। और ये मूवी इतनी अच्छी है, मतलब फुल इन्जॉयमेंट है यहाँ पर। हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया था इसको देख के। और फिर अम्मी ने बनाए थे ये करेले, जो नए स्टाइल में मेरी अम्मी को ना बहुत शौक होता है कि ये वीडियो बना लो, वो वीडियो बना लो, तो मैंने बनाई इसकी वीडियो और ये बहुत अच्छे लग रहे थे और खाने में बहुत अच्छे थे ये अम्मी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया वहाँ पर, उसके बाद मैंने जाना था बाहर। और फिर रेडी शेडी होके मैं निकली जाने के लिए। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा आप मुझे छोड़ के आ जाएं, क्योंकि अगर मैं किसी और चीज़ पे गई तो फिर मुझे लेट ही होना है और मुझे वहाँ पे बातें सुननी है। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे छोड़ के आ जाएं। फिर मैं पहुँची रेस्टोरेंट में, फिर वहाँ पे कुछ देर बैठ के हमने ऑर्डर कर लिया था और ये हमारा खाना भी आ गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कढ़ाई थी, कबाब थी और चीज़ें थी। तो फिर मैंने वो खाई और कुछ देर वहाँ बैठ के हमने बातें साथें की, जो मैं इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे जिसका, तो हमने बातें की और बैठ के थोड़ा इन्जॉय किया, वेदर को किया, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं आजकल कराची में, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बारिशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर उसके बाद गए हम लोग चाय वगैरह पे, कॉफ़ी वगैरह पे। और वहाँ पे फिर मैंने ऑर्डर किया अपने लिए ब्राउनी और कॉफ़ी, क्योंकि मुझे वहाँ की ब्राउनी और कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। और फिर मगरिब के टाइम मैं वापस आ गई घर, और यहाँ पे हमेशा की तरह मोइज़ा को ना टीवी पे ही पाया, क्योंकि वो वहीं पे बैठी रहती है, उसको कोई नहीं हटा सकता वहाँ से। क्योंकि जैसे आजकल के पॉलिटिशन है ना, उनको अपनी सीट से नहीं हटाया जा सकता, तो मोइज़ा को अपनी सीट से नहीं हटा सकता, तो वो वहाँ बैठ के उसके बाद कुछ आराम करने के बाद एहतशाम ने आके मेरा सर खा लिया था कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, और मैंने जूस पीना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मैंने कहा चलो, तो फिर मैं और अम्मी निकले वहाँ पे। अम्मी ने कहा मैंने वॉक करना है, तो फिर मैं भी चलती हूँ साथ। मैंने कहा चल रहे हैं आप भी। तो फिर मैं, अम्मी और मोइज़ा एहतशाम निकले बाहर के लिए। इनकी शरारतों के तौबा तौबा, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, इतनी मुश्किलों के साथ जाके फिर चुप करके उसने चलना स्टार्ट किया। इधर उधर देखता, कभी उसकी मजाक उड़ाता, कभी उसकी मजाक उड़ाता, आप देख सकते हैं ये कैसे चल रहा है। और फिर फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शरारतों से वो करके हम लोग पहुँचे अपने जूस वाले सेंटर पे। फिर हमने जूस पिया वहाँ पे और कुछ देर बैठे। अम्मी और मोइज़ा जो हैं वो वहीं पे खाना स्टार्ट हो गई थी, जो चीज़ें उन लोगों ने ली थी। और ये सामने बिल्डिंग है यहाँ की, जब से हम लोग आए हैं ये खाली रहती है। अगर किसी को इसकी स्टोरी बताए तो मुझे भी लाजमी बता देना, मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि ये पता नहीं क्यों बंद है, बहुत टाइम हो चुका है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है, कुछ है, तो पता नहीं, आई डोंट नो है भी कि नहीं। और इसके बाद हम लोग ने जूस लिया और मेरा था खजूर और आई थिंक बनाना था। तो फाइनली हम घर आ गए, घूमते घुमाते घर आकर पहुँचे थे। काफ़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि इनके चक्करों में, और यहाँ पे आते शाम अपनी हाइट बढ़ाते हुए और फिर इस तरह करते हैं अपने व्लॉग के एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।